subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Bismillahirrahmanirrahim. Khushamdeed, welcome, suswagatam to the channel Let's Learn with Muhammad Yaqub. Dear students, aaj hum since aur for ka jumlon mein kis tarah istemal kiya jata hai samajhne ki koshish karenge. Dear students, since aur for ke maani से के होते हैं. फिक्स टाइम पक्का समय पक्का वक्त बताने के लिए, फिक्स टाइम पक्का समय पक्का वक्त बताने के लिए सिंस का इस्तेमाल किया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, सिंस का इस्तेमाल फिक्स टाइम पक्का समय पक्का वक्त बताने के लिए किया जाता है. लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल. डियर स्टूडेंट्स, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं वो 1 बजे से खेल रहे हैं, वो 1 बजे से खेल रहे हैं, वो 1 बजे से खेल रहे हैं, तो आपको इस तरह कहना होगा They have been playing since one o'clock. वो 1 बजे से खेल रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, वो 1 बजे से खेल रहे हैं, 2 बजे से खेल रहे हैं, 3 बजे से खेल रहे हैं, 4 बजे से खेल रहे हैं, 5 बजे से खेल रहे हैं, 6 बजे से खेल रहे हैं, 7 बजे से खेल रहे हैं, 8 बजे से खेल रहे हैं, 9 बजे से खेल रहे हैं, 10 बजे से खेल रहे हैं, 11 बजे से खेल रहे हैं, 12 बजे से खेल रहे हैं. जब बजे से आपको बोलना है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको सिंस का इस्तेमाल करना होगा. डियर स्टूडेंट्स, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 1 AM, सिंस 1 PM, सिंस 2 AM, सिंस 2 PM. डियर स्टूडेंट्स, AM और PM अगर आप इस्तेमाल करेंगे, क्लॉक का इस्तेमाल करेंगे सिंस 1 o'clock, तो आपको सिंस का इस्तेमाल करना होगा. डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं वो 1 घंटे से. डियर स्टूडेंट्स, फर्क है, ख्याल रखिए, लिसन केयरफुली, अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू सेव इन योर माइंड. डियर स्टूडेंट्स, 1 बजे से और 1 घंटे से दोनों में फर्क है. अगर आपको 1 बजे से बोलना है तो आपको सिंस का इस्तेमाल करना होगा, और 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, 6 घंटे से, 7 घंटे से, 8 घंटे से, 9 घंटे से, 10 घंटे से, 11 घंटे से, 12 घंटे से अगर आपको बोलना है तो आपको फॉर का इस्तेमाल करना होगा. वो 1 घंटे से खेल रहे हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा They have been playing for one hour. डियर स्टूडेंट्स, सिंस का इस्तेमाल आपको अगर करना हो, अगर आपको सिंस का इस्तेमाल करना हो, तो इस तरह हमें जब सिंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल्स. डियर स्टूडेंट्स, कीप इट इन योर माइंड. सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस आफ्टरनून, शाम से, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, दोपहर से, सिंस इवनिंग, शाम से, सिंस नाइट, सिंस लास्ट नाइट, सिंस यस्टरडे, कल से, सिंस डे बिफोर यस्टरडे, परसों से, सिंस दैट डे, उस दिन से, सिंस देन, तब से, सिंस व्हेन, कब से, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस माई बर्थ, मेरी पैदाइश से, सिंस आई वॉज बॉर्न, जब से मेरी विलादत हुई, मेरी पैदाइश हुई, सिंस मंडे, सिंस ट्यूजडे, सिंस थर्सडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूजडे, सिंस वेनेसडे, सिंस थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सिंस. डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली?
सिंस जनवरी, सिंस फेब्रुवरी, डियर स्टूडेंट सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस 1967, सिंस 1967, सिंस 1990, सिंस 1992, सिंस 1998, डियर स्टूडेंट्स फॉर का इस्तेमाल फॉर अ वीक, एक हफ्ते से, फॉर अ मंथ, एक महीने से, फॉर अ फोर्टनाइट, फॉर अ ईयर, फॉर अ डिकेड, फॉर अ सेंचुरी, डियर स्टूडेंट्स कीप इट इन योर माइंड। लेट्स अंडरस्टैंड विद द अदर एग्जांपल्स। डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये कहना चाहते हैं, अगर आप ये कहना चाहते हैं मैं 1992 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं 1992 से इंग्लिश पढ़ाता रहा हूं, पढ़ाते आ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1992, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1992। लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं मैं 29 साल से इंग्लिश पढ़ाता रहा हूं, मैं 29 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 29 ईयर्स, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 29 ईयर्स। डियर स्टूडेंट्स इस तरह सिंस का इस्तेमाल फिक्स टाइम के लिए, पक्का समय के वक्त, जब आप पक्का वक्त जाहिर कर रहे हैं तो उस वक्त हमें सिंस का इस्तेमाल करना होता। डियर स्टूडेंट्स और अगर आपको ये बोलना है एक हफ्ते से, एक महीने से, एक साल से, 15 दिनों से, एक दहाई से, एक सदी से, तो आपको फॉर का इस्तेमाल करना होगा। डियर स्टूडेंट्स कीप इट इन योर माइंड। डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये कहना चाहते हैं, अगर आप ये कहना चाहते हैं वो मंडे से बीमार है, उसकी तबीयत मंडे से नासाज है, वो पीर के दिन से बीमार है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, ही हैज बीन इल सिंस मंडे, ही हैज बीन इल सिंस मंडे। कोई लड़का है या कोई शख्स है और वो मंडे से बीमार है, पीर से बीमार है, तो आपको इस तरह कहना होगा, ही हैज बीन इल सिंस मंडे, सिंस मंडे, वो पीर के दिन से बीमार है। लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो एक हफ्ते से बीमार है, वो एक हफ्ते से बीमार है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, ही हैज बीन इल फॉर अ वीक, ही हैज बीन इल फॉर अ वीक, ही हैज बीन इल फॉर अ वीक, वो एक हफ्ते से बीमार है। डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये कहना चाहते हैं, अगर आप ये कहना चाहते हैं उसने उसने 1992 से ड्यूटी ज्वाइन की, कोई लड़की है, कोई खातून है, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि उसने 1992 से ड्यूटी ज्वाइन की, उसने 1992 से ड्यूटी ज्वाइन की, तो आपको इस तरह बोलना होगा, शी ज्वाइंड द ड्यूटी सिंस 1992, शी ज्वाइंड द ड्यूटी सिंस 1992। लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं उसने पिछले एक साल से ड्यूटी ज्वाइन की, तो आपको इस तरह बोलना होगा, शी ज्वाइंड द ड्यूटी फॉर द लास्ट 1 ईयर, उसने पिछले एक साल से ड्यूटी ज्वाइन की, उसने गुज़िश्ता एक साल से ड्यूटी ज्वाइन की, तो आपको इस तरह बोलना होगा, शी ज्वाइंड द ड्यूटी फॉर द लास्ट 1 ईयर। डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये बोलना चाहते हैं उन्होंने कल से कुछ नहीं किया, तो आपको इस तरह बोलना होगा, दे हैव डन नथिंग सिंस यस्टरडे, उन्होंने कल से कुछ नहीं किया, दे हैव डन नथिंग सिंस यस्टरडे।
लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं उन्होंने एक दिन से कुछ नहीं किया, उन्होंने एक दिन से कुछ नहीं किया, तो आपको इस तरह बोलना होगा, they have done nothing for one day, they have done nothing for two days. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं उन्होंने दिन भर से कुछ नहीं खाया, तो आपको इस तरह बोलना होगा, they have eaten nothing for one day. उन्होंने दिन भर से या एक दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, दो दिन से कुछ नहीं खाया, तीन दिन से कुछ नहीं खाया, उन्होंने दो दिन से कुछ नहीं किया, तो आपको इस तरह बोलना होगा, they have done nothing for one day, they have done nothing for two days. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं वो सुबह से काम करते रहे हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, हम सुबह से काम कर रहे हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, we have been working since morning. हम सुबह से काम कर रहे हैं. लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं हम बारह घंटों से काम कर रहे हैं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, we have been working for 12 hours. डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें जब 1, 2, 3, 4, 5 का इस्तेमाल करना पड़ता है तो हमें फॉर का इस्तेमाल करना पड़ता है, और सिंस का इस्तेमाल, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस आफ्टरनून. डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करते रहिए और वक्त जरूरत अपने असातिज़ा की रहनुमाई हासिल कीजिए. डियर स्टूडेंट्स, सिंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम यानी पक्का समय बताने के लिए, और फॉर का इस्तेमाल ड्यूरेशन के लिए यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अरसा जाहिर करने के लिए, वक्त की मुद्दत बताने के लिए किया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स. अगर आप ये कहना चाहते हैं वो सुबह से कोशिश कर रहा है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, he has been trying since morning. वो सुबह से कोशिश कर रहा है, since Monday, since yesterday. वो कल से कोशिश कर रहा है, since childhood, वो बचपन से कोशिश कर रहा है, since January, वो जनवरी से कोशिश कर रहा है, since 1967, वो 1967 से कोशिश कर रहा है, since that day, वो एक हफ्ते से कोशिश कर रहा है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, he has been trying for a week, for a month, 1 महीने से, for a fortnight, 15 दिन से, for a year, 1 साल से, for a decade, 1 दहाई से, for a century, 1 सदी से. डियर स्टूडेंट्स, इस तरह सेंटेंसेस बनाइए
और अपने असातिज़ा की रहनुमाई हासिल कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।